वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी को अब हम एक एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अभी आपके बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड कोई थ्योरम, कोई क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं। पहले आप एक बार फेमिलियर तो हो जाओ कि एक साथ तीन टॉस अगर करते हैं तीन कॉइन्स को तो क्या क्या रिजल्ट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक साथ दो डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ताकि फिर जब हम आपके लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएं बीकॉम के लेवल को तो उसको टैकल करना आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो दो तीन क्लास लगेंगे आपके और लगेंगे। अब आपके सिलेबस रिलेटेड बात है, उसके लिए मैं एक अलग आपके साथ में लाइव सेशन जुड़ूंगा, जिससे बताऊंगा कि अब अपने सिलेबस को किस तरीके से पैरेलल अदर यूनिट को करके भी आप स्पीड से कवर कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर रेफर टू द एग्जांपल, कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन क्या है? इवेंट सम ऑन टू डाइस, सम ऑफ टू डाइस, एक साथ आप क्या कर रहे हो, दो डाइस आप थ्रो कर रहे हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कुछ इस तरीके से है बच्चे, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। लाइक दिस वन, एक डाइस आपके सामने ये आया, ठीक है, और एक डाइस आपके पास पे ये है, एक साथ दो डाइस थ्रो करा, तो एक पे रिजल्ट आपका यहाँ पर वन आया, एक पे आपका यहाँ पर रिजल्ट फाइव आया। सबसे पहले देखो, दो डाइस अगर आप थ्रो करते तो कितनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी। और एक सवाल ये पूछ रहा है कि सम सम ऑन द टू डाइस, दो डाइस के ऊपर जो आएगा इसका सम कैसे क्या बना, यहाँ तो सम सिक्स बना। तो इसी तरीके से दो, उनका सम दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सम तीन है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सम चार है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सम पांच है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप कि आपके पास में टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। टोटल इवेंट भी बोलते हैं और हम आउटकम्स भी बोलते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि आपके पास पे जो है एक इस पे भी आए, उस पे भी एक आए, पहले एक वाला लेके चलो स्टार्टिंग में एक। हो सकता है इसके एक के साथ में वहाँ पे दो आ जाए, हो सकता है इसके फर्स्ट के एक के साथ में उसके पास तीन आ जाए, हो सकता है इसके एक के पास में उसका चार आ जाए, हो सकता है बच्चे कि एक वन के साथ उसका फाइव आ जाए, हो सकता है कि या वन के साथ में उसका सिक्स आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज है इसके वन के साथ में आने की, क्लियर है? लेकिन यही नहीं हो सकता, हो सकता है कि इधर दो है तो वहाँ एक आ जाए, हो सकता है दो पे दो आ जाए, हो सकता है बच्चे दो के साथ उधर तीन आ जाए, हो सकता है दो के साथ चार आ जाए, हो सकता है दो के साथ पाँच आ जाए, हो सकता है दो के साथ छः आ रहा हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ ये नहीं है और भी हैं। हो सकता है कि थ्री के साथ में वन आ जाए, थ्री के साथ में टू आ जाए, थ्री के साथ में थ्री आ जाए, और थ्री के साथ में फोर आए, थ्री के साथ में फाइव आए, और थ्री के साथ में सिक्स आए। पॉसिबिलिटीज ये भी है कि फोर के साथ में वन, फोर के साथ में टू, फोर के साथ में थ्री, फोर के साथ में फोर, एंड फोर के साथ में फाइव आ जाए, और फोर के साथ में सिक्स आ जाए। पॉसिबिलिटीज ये भी है कि फाइव के साथ में वन आ जाए, फाइव के साथ में टू आ जाए, फाइव के साथ में थ्री आ जाए, फाइव के साथ में फोर आ जाए, फाइव के साथ में फाइव आ जाए, और फाइव के साथ में सिक्स आ जाए। पॉसिबिलिटीज ये भी है, सिक्स के साथ में वन हो, सिक्स के साथ में टू हो, सिक्स के साथ में थ्री हो, सिक्स के साथ में फोर हो, सिक्स के साथ में फाइव हो, और सिक्स के साथ में सिक्स हो। ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ है? 36 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो टोटल आपके आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स आपके पास में बच्चे 36 होंगे, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आप देखो कि टोटल आउटकम्स आपके कितने आए यहाँ पर, टोटल आउटकम्स आपके पास में 36 आए, क्लियर है? अब आप यहाँ देखोगे तो दोनों का सम टू आए दोनों डाइस पे, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है दिस वन,
और सम कभी टू आ ही नहीं सकता है, ग्रेटर देन टू आएगा तो क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम्स वन एक ही बार ऐसा आएगा सम ऑफ टू, और आउट ऑफ 36 थ्री कितनी बार आएगा, तो एक तो यहाँ थ्री आ जाएगा सम, तो ये भी क्या होगा आपका 1/36 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। फोर कितनी बार आ जाएगा, एक तो आपके पास में फोर यहाँ पे आएगा, दिस वन मैं अलग कलर ले रहा हूँ, एक तो बच्चे आपके पास में फोर यहाँ सम बन रहा है, और फोर आपका अच्छा थ्री के दो पॉसिबिलिटी थे बच्चे, कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे से, थ्री सम कितनी बार आएगा, एक तो ये एक और दो में भी है थ्री आ सकते हैं, और एक यहाँ पर भी थ्री बनेगा, तो क्या हो गया 2/36 तो 1/18 ठीक है, और एक क्या है आपके पास में फोर सम कितनी बार आएगा, तो एक बार तो आपके पास में 1/3 है, फोर इसमें नहीं है, और एक यहाँ पर हो गया आपके पास में फोर हो गया, एक आपके पास में यहाँ पर सम फोर आ गया, ये भी है कि फर्स्ट पे वन सेकेंड पे थ्री, टू टू फोर आ जाएगा, थ्री वन फोर आ जाएगा, और कभी भी फोर की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो थ्री आउट ऑफ 36 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एंड फाइव, तो फाइव के चांसेस क्या हैं आने के, तो एक तो ये चांसेस हैं फाइव के, और 1/4 है, और फाइव आपके पास में यहाँ पे फाइव आपके पास में एक ये हो गया 2/3, और फाइव के लिए आपके पास में पॉसिबिलिटीज़ हो गई, एक तो आपके पास 3/2 हो गया, एंड फाइव आपके पास में 4/1, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, फोर पॉसिबिलिटीज़ होगी, 4/36 तो 1/9 क्लियर है बच्चे, सम 5 आए और दोनों डाइस के ऊपर सम 6 आए, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, दोनों डाइस पे सम 6 आए, दिस वन 1/5 और उसके बाद 6 दिस वन और उसके बाद 6 आपका 1/5 2/4 यहां पे आपके पास में 6 दिस वन 6 और यहाँ पे आपके पास में 6 दिस वन और 6 दिस वन और यहाँ तो कहीं 6 पॉसिबल ही नहीं है, तो कितने चांसेस है इसके 6 आने के, 1 2 3 4 5 तो 5 है आउट ऑफ 36। 7 आने के चांसेस कितने हैं बच्चे, 7 आने के चांसेस, तो यहाँ पे तो एक चांसेस आपका ये क्रिएट हुआ 7 का, 7 के चांसेस एक तो आपके पास में ये क्रिएट हो गया, दो चांसेस हो गए, और 7 के चांसेस थ्री के साथ में 4 का ही रहेगा, और 4 के साथ में 3 का रहेगा, और 5 के साथ में 2 का रहेगा 7 का, और 6 के साथ में 1 का रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 इसकी पॉसिबिलिटीज है अपॉन 36 तो 1/6। इस तरीके से 8 की क्या आ गई आपके पास में, 8 आने की पॉसिबिलिटीज क्या है 5/36 एंड 9 की पॉसिबिलिटीज क्या है 9 की, डिफरेंट कलर में अब कौन सा कलर लें भाई, सब रंग तो खत्म हो गया मेरे पास में, येलो वगैरह सब खत्म हो गया, रेड भी हो गया, कोई और रंग देखते हैं भाई। हाँ 9 की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे, तो 9 तो आपके पास में 1 के साथ में, तो 9 आपका बनाने के लिए आपको 7 लेना पड़ेगा, 7 है नहीं, 2 के साथ में 9 बनाने के लिए आपको लास्ट 6 ही वो नहीं आएगा, 9 बनाने के लिए आपके पास में 3 के साथ में 6 आएगा, 4 के साथ में 5 आएगा, और 9 के लिए आपके पास में 5 के साथ में 4 आएगा, और 9 के लिए आपके पास में 6 के साथ में 3 आ जाएगा, तो कितनी है 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं आउट ऑफ 36 तो 1/9 क्लियर है बच्चे। 10 के लिए 10 आ जाए आपका, तो 10 की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, तो 10 की पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ में 1 के साथ में तो 9 आएगा ही नहीं, 2 के साथ में 8 आएगा ही नहीं, 3 के साथ में 7 आएगा ही नहीं, 4 के साथ में 6 आएगा एक पॉसिबिलिटीज़ है, 5 के साथ में 5 आएगा दो पॉसिबिलिटीज, एंड 6 के साथ में 4 आएगा तीन पॉसिबिलिटीज है, तो 3/36 1/12 एंड 11 तो आपके पास में एक ही बार आएगा, 4 के साथ में आपका 6 10 ही होगा मैक्सिमम से, 5 के साथ में आपके पास में आएगा 11 के लिए, 5 के साथ में 6
और 6 के साथ में आपका 5, 2 by 36, 1 by 18। तो ये आपने क्या करा, आपने टेबल को कंप्लीट कर लिया। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? नेक्स्ट आपसे, आज स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर द 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। Therefore, each of them has a probability of 1 by 11. Do you agree with this argument? Justify your solution. But 36 total हमारे पास में outcome है, 11 कहाँ से होंगे? ठीक है ना, ये outcome से, तो ये हम agree नहीं करते इससे। चलो बच्चे, अब next question है। A game consists of tossing a 1 rupees coin and a 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. Tino toss, same result aaye. 3 heads or 3 tails and losses otherwise. Otherwise, wo har jayega agar tino mein same result nahi aaya to calculate the probability that Hanif will be lost the game. Wo har jaye iski kya sambhavna hai? Karo pehle. पहले सारी टोटल फेवरेबल आउटकम्स लिखो, लिखना आना चाहिए पहले आपको। देखो बच्चे, चलिए अक्षित ने अपना आंसर कमेंट करा है। सबसे पहले अगर आप तीन कॉइन टॉस करते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक तो हेड हेड और हेड आ जाए, अदरवाइज हेड हेड पर एक एक खाली करते हो, टेल को जगह देते जाओ, टेल शिफ्ट होता जाएगा। एक तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है, अगर वो टेल टेल आ जाए तो ऐसे लिखो पॉसिबिलिटीज को। अब हेड, एक टेल डिलीट होगा, अब हेड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल, ये संभावना को लिख लो, आगे काम ही आएंगे आपके। तो इसके बाद आ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 rupees कॉइन 3 times एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। Hanif wins if all the tosses give the same result. जब जीतेगी तब सेम रिजल्ट आएगा, तो ये तब यहाँ जीतेगी या तो फिर ये यहाँ जीतेगी। तो ऐसे टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स यहाँ पर 8 है और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? तो तीनों पे सेम रिजल्ट आया, तो ऐसे 2 बार पॉसिबल हैं। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या रहेगी, या फिर पूछ कर रहा है लॉसेस एंड अदरवाइज लॉसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस क्या होगा? पहले विनिंग का भी आप निकाल सकते हो, लॉसेस का डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विनिंग के क्या है? 2 out of 8, 1 by 4। तो लॉसेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस क्या हो जाएगा? 1 minus 1 by 3 equals to 2 by 3, ठीक है। क्लियर है बच्चे? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द हैवी विल बी द लॉस इज द गेम, ठीक है। आगे